गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम SSG के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दोनों ही कर लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में हमारा फर्स्ट है, हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है इस पे, ग्लोब पे। ग्लोब, अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। इट रिप्रेजेंट्स द अर्थ इन अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे। कहता है कि जो ग्लोब है वो एक छोटा सा मॉडल है अर्थ का, और ये अर्थ को कैसे रिप्रेजेंट करता है, एक साधारण और सरल तरीके से क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एक्यूरेट मीन्स सरल, सिंपल यानी कि साधारण। आगे है नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर क्या है, द पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड द नॉर्थन हेमिस्फीयर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लेसन रीड करवाते हुए भी बताया है कि जो अर्थ का वो पार्ट जो कि नॉर्थ पोल की तरफ होता है यानी कि उत्तर ध्रुव की तरफ होता है, उसे क्या कहा जाता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर कहा जाता है। देयर आर 90 पैरेलल्स इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, कि इसमें 90 पैरेलल्स हैं यानी कि सीधी रेखाएं कितनी हैं, 90, किसमें, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर क्या है, द पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द इक्वेटर टू द साउथ पोल इज कॉल्ड द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो पार्ट, जो भाग, पृथ्वी का वो भाग जो कि दक्षिण ध्रुव की ओर होता है, उसे साउथर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। द साउथर्न हेमिस्फीयर हैज़ ऑल्सो 19 पैरेलल्स, कि साउथर्न हेमिस्फीयर के पास भी 19 पैरेलल्स लाइंस हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या है, मेरिडियंस आर इमेजनरी लाइंस दैट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और ऑन अ ग्लोब। मेरिडियंस क्या है स्टूडेंट्स, एक इमेजनरी लाइंस हैं, क्या हैं, एक काल्पनिक, इमेजनरी मैंने क्या बताया था, काल्पनिक लाइंस हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि नॉर्थ से, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं, किस पे, ग्लोब पे। द प्राइम मेरिडियन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर नंबरिंग द मेरिडियंस। जो प्राइम मेरिडियन है वो क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसका, जहाँ से मेरिडियंस को गिना जाता है, जहाँ से उनको काउंट करना शुरू करते हैं, वो वाला स्टार्टिंग पॉइंट किसका होता है, प्राइम मेरिडियन का। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन, ए पार्ट है इसका लैटिट्यूड एंड बी पार्ट है लॉन्गिट्यूड। हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताना है। लैटिट्यूड आर द फुल सर्कल ऑन द ग्लोब दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। क्या है, लैटिट्यूड एक फुल सर्कल है, पूर्ण वृत्त है जो किस पे चलता है, ईस्ट टू वेस्ट, ग्लोब पर ईस्ट टू वेस्ट की ओर चलता है यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैलर्स, इन्हें क्या कहा जाता है, पैलर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स आर द लाइंस विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑन अ ग्लोब, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। लॉन्गिट्यूड वो लाइंस हैं, वो रेखाएँ हैं जो नॉर्थ टू साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं ग्लोब पर, और इसमें इसे क्या कहा जाता है, मेरिडियंस कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट, राइट फोर फैक्ट्स अबाउट लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। हमें फोर फैक्ट्स बताने हैं लॉन्गिट्यूड के, लाइंस के। लॉन्गिट्यूड आर इमेजनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑन द ग्लोब। लॉन्गिट्यूड काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं।
ऑल मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ, कि हर एक मेरिडियन के पास, हर एक रेखा के पास सेम लेंथ होती हैं, यानी कि उनका आकार, उनकी लंबाई सब क्या होती है, इक्वल होती है। दे कट द पैलर्स एट राइट एंगल 90 डिग्री, वो पैरेलल लाइंस को किस कितने एंगल पर कट करती हैं, 90 डिग्री के एंगल पर कट करती हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस इज एट द इक्वेटर, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ज़्यादा से ज़्यादा दो लाइनों के बीच में, जो मेरिडियंस के बीच में क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है उनकी जो दूरी होती है वो इक्वेटर होती है, यानी कि समान दूरी पर होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, व्हाट इज़ अ ग्रिड, ग्रिड क्या है एंड हाउ डज इट हेल्प अस टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, और ये हमारी किस तरह से मदद करती है किसी भी प्लेस को ढूंढने में, किसी भी प्लेस की पोजीशन का पता लगाने में कैसे हमारी मदद करती है। अ ग्रिड इज़ अ नेटवर्क विच इज़ फॉर्म्ड ऑन द ग्लोब बाय द पैलर्स एंड द मेरिडियंस रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, क्या है ग्रिड, एक ऐसा नेटवर्क है स्टूडेंट्स जो कि ग्लोब पर काम करता है, और जो पैलर लाइंस और मेरिडियंस से क्या करता है, रन करता है, दौड़ता है किसकी ओर, ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं। द पॉइंट एट विच अ लैटिट्यूड एंड अ लॉन्गिट्यूड मीट हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस, एक वो पॉइंट, एक वो बिंदु जहाँ पर लॉन्ग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही मिलते हैं, उस पोजीशन में क्या किया जाता है, हम एक स्थान को ढूंढने में यह हमारी मदद करता है। क्या करता है स्टूडेंट, जहाँ जिस बिंदु पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलते हैं, ये हमारे एक जगह को, एक स्थान को ढूंढने में हमारी मदद करते हैं। स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर जो आज हमने रीड कर लिए हैं, ये आपको अपने पेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं एंड साथ साथ में लर्न भी करने हैं, एंड स्टूडेंट्स राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू।